हेलो गाइस, वेलकम टू टूर्नामेंट H4K। वीकेंडी का मैच हमारा 10 टीम्स 37 प्लेयर। टीम TW ने ड्रॉप ले लिया है हमारा पेशवोका की ओर। टीम TW ने ड्रॉप ले लिया है 3-मैन स्क्वाड के साथ। लूट करेगी इधर 10 टीम्स हैं हमारी, 37 प्लेयर। टीम मेजर उतर चुकी है। टीम मेजर ने पोर्ट वोस्टो की ओर ड्रॉप लिया है। एंड टीम सेवन, सॉरी गाइस, ये फाइट थोड़ी मिस कर दी हमने। टीम सोस ने यहाँ पे टीम सेवन के 3 प्लेयर्स को फिनिश ऑफ एंड नॉकआउट फिनिश ऑफ कर दिया है। अजीत ने 1 किल और 2 एग्री ने किल निकाले हैं। टीम सेवन के अकेले बचे हुए HR जेड, जो कि पीछे की ओर फुल बैक कर चुके हैं, देखते हैं कि यहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। बाकी हमारी सारी टीम्स अलग अलग लूट रही हैं, एक दूसरे के पास नहीं है। बस एक टीम रेज एंड टीम ट्रेंटी जो करीब करीब लूट कर रही हैं दोनों ही टीम्स। रेज हिटमैन भाव, MF अफरीदी एंड रित जैक और डाकू और ब्लेज ट्रिनिटी के। टीम रेज पीछे की ओर फुल बैक करती हुई। टीम रेज आई थिंक फाइट नहीं लेने चाहती। टीम वैनम एक अच्छी जोन में भी है और लूट कर रही है। बोल लोगों का ये टीम TW की सेकेंड टीम, वो भी सही लूट कर रही है उधर इन द जोन की एज पे है वो भी। टीम 12 के प्लेयर्स लूट कर रहे हैं। टीम MR के प्लेयर्स, टीम 7 के रिदिस अपने आप को ही मोली से फिनिश ऑफ कर लिया है। किल नहीं देना चाहते थे वो टीम सोस को। जी हाँ, अपने आप को ही मोली से फिनिश ऑफ कर लिया। टीम 7 यहाँ से एक्सिट लेती हुई, सबसे पहली टीम हमारी टीम 7 जो एक्सिट ली है। बाकी हमारी टीम ट्रिनिटी बैठी हुई है जोन, वो कर ही रही है हमारा जोन। जोन में जल्दी से रोटेशन डालेगी। टीम रेज को मिल चुकी है व्हीकल, जो कि वो भी जोन के लिए निकल चुकी है। यहाँ टीम रेज की एक अच्छी सोच, लेकिन टीम रेज डोब्रो मेस्टो आई है। टीम डोब्रो मेस्टो में टीम नंबर 18 ऑलरेडी मौजूद है 4 प्लेयर्स के साथ। टीम MR, यहाँ टीम MR ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। सारे बाकी हमारी टीम रेड जोन में रोटेशन डाल रही है और जोन में पहुंच चुकी है। टीम वेनमसन की फाइट हो सकती है अगर ज़्यादा आगे जाए तो, लेकिन वो जेन की एज पर रुक जाएगी। अच्छी सोच टीम रेज के प्लेयर्स की। यह टीम TW भी जोन की एज पे है, रेज भी बीच में बैठी हुई है। वेनम, बाकी हमारी टीम MR लूट, सॉरी टीम BP यहाँ पर लूट कर रही है। एंड टीम सोस जो कि एज ऑफ द जोन पे है, कोर्ट में है एज ऑफ द जोन पर टीम सोस। उसने अभी अभी टीम एक टीम को फिनिश ऑफ किया है, टीम 7 को। ट्रिनिटी भी जोन कवर करेगी, अब जल्दी से जोन में रोटेशन डालेगी। टीम मेजर ऑलरेडी एक अच्छी जोन में लूट, आउट ऑफ द जोन तो है बट वो लूट कर रही है। एयर ड्रॉप नंबर फर्स्ट हमारा जल्दी देखने को मिलेगा हमें। मेजर भी 3-मैन स्क्वाड के साथ खेल रही है हमारी। एक प्लेयर का आई थिंक मैप डाउनलोड नहीं था, अभी तो कोई फाइट नज़र आने को नहीं है। हमारे सारे प्लेयर्स दूर दूर एक दूसरे से। एयर ड्रॉप नंबर फर्स्ट फ्लेयर ड्रॉप जो मंगाया है टीम रेज ने। फ्लेयर ड्रॉप में आए हैं हमारी AWM एंड गिरोजा विद Level 3 वेस्ट एंड हेलमेट। टीम रेज के प्लेयर्स इसको पिक करेंगे, AWM गिरोजा, जो कि काफ़ी मदद करेगी इनके आगे के गेम प्ले में। ओम एंड गिरोजा क्लोज रेंज में एंड ओम लॉन्ग रेंज में। बाकी सारी टीम्स हमारी धीरे धीरे करके जोन में रोटेशन डाल रही है। पहली टीम जो हमारी जोन की रोटेशन डाल रही है वो उस टीम टीबी और टीम 18 भी अब दोब्रो मेस्टो से भी कर पिक करके जोन के लिए निकल चुकी है। टीम MR हमारी, टीम सोस भी धीरे धीरे अब जोन में आएगी। टीम मेजर भी जोन के लिए निकल चुकी है। टीम TW के प्लेयर्स भी जोन में रोटेशन डाल रहे हैं। एनएम के प्लेयर भी लूट करते हुए, एनएम सैजी सौरभ हंटर एंड साध, चारों प्लेयर्स उनके लूट करते हुए। साध एंड हंटर व्हीकल से आई डोंट नो वेयर कहाँ जा रहे हैं वो। टीम नंबर 18 की टीम रेस से फाइट हो सकती है, क्योंकि टीम रेस ने जो फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है लूट तो कर ली है टीम रेस के प्लेयर्स ने। टीम 18 पीछे से जोन में रोटेशन डालती हुई आ रही है, उसी जोन की एज पर बैठी हुई है टीम रेज।
क्या टीम 18 की फाइट टीम एमआर वर्सेस टीम रेज देखने को मिलेगा हमें इधर से। तो धीरे धीरे करके जोन में रोटेशन डाल रही है वो। अबे में आता हुआ है ड्रॉप नंबर 2, यानी कि नॉर्मल ड्रॉप हमारा, अबे की ओर गिरता हुआ वो। यहाँ टीम रेज यहाँ से जोन के लिए निकली है, लेकिन टीम रेज के एमएफ को आई थिंक स्पोर्ट कर लिया उन्होंने टीम 18 के प्लेयर्स की भी कल। जी हाँ, टीम रेज के प्लेयर एमएफ ने स्पोर्ट की थी, पीछे की ओर रुकी है टीम 18 के प्लेयर एमआर के प्लेयर्स व्हीकल से जो जा रहे हैं। टीम रेज के प्लेयर्स का उधर स्प्रे ज़रूर पड़ सकता है, रेज के प्लेयर्स अभी तो स्प्रे नहीं दे रहे हैं, पीछे की ओर ही बैठे हुए हैं। टीम एमआर जो धीरे धीरे करके क्लोज इन कर रही है, उन्होंने आई थिंक फ्लेयर ड्रॉप की वजह से उन्हें पूरा ध्यान है यहाँ पर। टीम है, जी हाँ, टीम एमआर लेती हुई पहली फाइट, टीम एमआर वर्सेस टीम रेज देखने को मिलेगी हमें। दोनों ही अभी तक जोन में हैं। टीम मेजर भी पहुंच चुकी है टीम टीडब्ल्यू के करीब, जो कि वो लोबो में है टीम टीडब्ल्यू। रेज के हिटमैन को पिकअप करते हुए एमआर के एबिन G36 से क्लोज इन भी कर रही है टीम रेज के ऊपर टीम एमआर। लेट्स सी क्या होता है। टीम रेज के हिटमैन रिवाइव हो रहे हैं, टीम यहाँ पर टीम एमआर क्लोज इन कर चुकी है। रेज के भाव, जी हाँ, रेज के भाव काफ़ी लो एचपी बचे हुए हैं। रेज के हिटमैन तो रिवाइव हो गए हैं, लेकिन रेज के भाव पिक ऑफ हो गए हैं। इधर टीम रेज बहुत मुश्किल में फंस सकती है। रेज के में भी नॉकआउट होता हुआ, अफरीदी भी नॉकआउट होता हुआ, अकेला बचा रेज का हिटमैन। एक प्लेयर नॉकआउट किया है, बिल्कुल रेज का हिटमैन ने एक प्लेयर नॉकआउट किया है। 1v3 सिचुएशन में रेज हिटमैन, इधर एक और प्लेयर नॉकआउट करा रेज के हिटमैन ने, बट टीम एम आर के प्लेयर उसको फिनिश ऑफ करता हुआ वहाँ भी निकालता हुआ लास्ट किल। टीम रेज यहाँ से फिनिश ऑफ होते हुए हमारी 9th पोजीशन पे है। अब हमारे पास 8 टीम है, 29 प्लेयर्स, टीम एम आर 4 किल्स के साथ आगे बढ़ेगी। टीम रेज यहाँ से फिनिश अप होती हुई हमारी सेकंड लास्ट टीम अभी इस गेम की, टीम रेज। कोई नहीं, एक गेम पहला ही गेम था, इतना पॉजिटिव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम में देखते हैं। गिरोज़ा आई है ड्रॉप नंबर 2nd में, लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट एंड बैकपैक दिया है आबे में। टीम टीडब्ल्यू उसको पिक ऑफ कर सकती है। टीम मेजर जो जोन में रोटेशन डाली, टीम टीडब्ल्यू सेकेंड टीम बोल रहा हूँ, बाकी ओर से आ गई है टीम मेजर बिना फाइट लिए वहाँ से। टीम ट्रेंटी भी जोन में रोटेशन डाल रही है, जो टीम वहाँ पर टीम बीपी भी निकाल रही है जोन में रोटेशन, वो भी डाल रही है पीछे से। टीम ट्रेंटी आ रही है उनके, जी हाँ, धीरे धीरे टीम ट्रेंटी के प्लेयर्स भी जोन में आ रहे हैं, और पीछे से टीम और आगे ही उनकी टीम बैठी हुई है, जिसका नाम है टीम बीपी, 3-man स्क्वाड के साथ खेल रही है। एक प्लेयर इनका भी अनअवेलेबल है। टीम ट्वेंटी विदाउट व्हीकल जोन में रोटेशन डाल रही है, थोड़ी ख़राब बात तो होगी ट्वेंटी के लिए। टीम सोस जो पीछे से व्हीकल लेके आ रही है, जोन के एज पे फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। टीम वैनम के पास एयर ड्रॉप नंबर 3, जो नॉर्मल ड्रॉप नंबर 2 हमारा, और एयर ड्रॉप नंबर 3 हमारा वैनम के पास गिरता हुआ, लेकिन वो वाटर में है। क्या टीम वैनम इसे पिक करेगी। गिली सूट स्नो वाला है इसमें, और MK14 में लेवल 3 हेलमेट वेस्ट एंड बैकपैक। नेक्स्ट सी ट्वेंटी वर्सेज MR TB देखने को मिल सकता है हमें इधर से, जो उनकी एज पे पहुंच चुकी है TB। ट्वेंटी पीछे जा रही है विदाउट व्हीकल, टीम सोस भी जो रोटेशन डाल रही है उधर से। टीम 18 MR जो एक टीम फिनिश ऑफ कर चुकी है, वो अभी जो उनके एज पे बैठी हुई है फिलहाल। अब सारी टीम हमारी इन द जोन है, 8 टीम्स 29 प्लेयर्स। लेट्स सी क्या होता है, अब देखा जाएगा। टीम सोस के प्लेयर्स, जी हाँ, टीम सोस के चारों प्लेयर्स जोन में रोटेशन डाल रहे हैं, 2 व्हीकल लेकर चल रहे हैं। टीम सोस के आगे है टीम TBP, टीम बीपी के प्लेयर्स जो उनकी एज पे आई डोंट नो कैसे खड़े हुए हैं बिना व्हीकल के, इतना ओपन में क्यों है वो। टीम सोस भी यहीं से जोन में रोटेशन डाल रही है, हील अप हो रही है, पहले वो स्टप कर रही है अपने आप को, एक अच्छी सोच टीम सोस की। टीम TW भी जोन के अंदर, दोनों टीम्स TW जोन के अंदर एक अच्छा स्पॉट ले चुकी हैं, एक एज पे है और एक थोड़ा एज से थोड़ी ही अंदर। टीम बीपी के प्लेयर जाते हुए अपने प्लेयर को ज्वाइन करने के लिए, बीपी के प्लेयर्स को टीम सोस के एग्री स्पॉट कर सकते हैं। जी हाँ, टीम सोस उनके करीब, और टीम ट्रेंटी जो पीछे से जोन का डैमेज लेती हुई आ रही थी, जो उनकी एज पे है अभी भी 130 मीटर दूर जोन से, क्या टीम ट्रेंटी ने अब व्हीकल पिक कर ली है। जी हाँ, व्हीकल है अब उनके पास, लूट कर रही है फिलहाल। टीम बीपी की फाइट हो सकती है टीम सोस के प्लेयर्स से। जी हाँ, सोस के प्लेयर्स शायद फॉल बैक करेंगे यहाँ से, सोच के एग्री जरूर गए थे उधर सपोर्ट करने के लिए टीम बीपी के प्लेयर्स को, लेकिन आई थिंक उन्होंने कोई सपोर्टेशन नहीं दिया टीम बीपी के प्लेयर्स ने, तो टीम सोस निकल चुकी है जोन के लिए। टीम वैनम बैठी हुई थी जोन पे, उन्हीं के पास जाके टीम एमआर रुकी हुई है। टीम एमआर एक अच्छा जोन कवर लेके रुकी है उधर, एक अच्छे ओपी जोन में जाके बैठी हुई है टीम एमआर।
मेजर आमिर टीडब्ल्यू के बादशाह को पिक ऑफ करते हुए टीम टीडब्ल्यू की सेकंड टीम जो कि जोन में रोटेशन डाल रही थी, मेजर आमिर उसको करता हुआ नॉकआउट। टीम मेजर की 3v3 फाइट रही है। अब टीम मेजर की टीम टीडब्ल्यू से 3v3 फाइट, टीडब्ल्यू के प्लेयर्स ज्वाइन करते हुए अपने टीम को, तीनों प्लेयर्स अब आते हुए 3v3 फाइट। टीडब्ल्यू के हंटर को पिक ऑफ करा मेजर हम्माद ने, फिनिश ऑफ करने की एक अच्छी सोच मेजर हम्माद की, बट मेजर आमिर इधर फिनिश ऑफ करता हुआ टीम टीडब्ल्यू को, दो किल आमिर ने, एक सवाले ने और एक लिया है मेजर हम्माद ने। टीम मेजर एक टीम टीडब्ल्यू की फर्स्ट टीम फिनिश ऑफ करती हुई, एक टीम अभी बाकी टीम टीडब्ल्यू की, 4 किल्स के साथ टीम मेजर आगे बढ़ेगी। 7 टीम्स 25 प्लेयर से लाइव है। हमारे एयर ड्रॉप मंगाया है हमारे टीम नंबर 18 यानी कि टीम एमआर ने एयर ड्रॉप मंगाया है, एयर ड्रॉप नंबर 4 जो कि फ्लेयर ड्रॉप है। इसमें हमारी MK14 है, DBS Level 3 की वेस्ट हेलमेट और ATEX के साथ आई है। आयुष दियोली पिक कर सकते हैं इस MK14 को। इवन एक्स वैन हम शाद को देते हुए ओम का फटका, ओम चलाते हुए टीम MR के प्लेयर वैनम के प्लेयर को, वैनम के शाद को ओम का फटका दिया है। इधर टीम वैनम के दो ही प्लेयर्स इधर हैं, दो उनसे थोड़े पीछे हैं। उधर टीम BP जोन की एज पे है, टीम सोस है, टीम ट्रेंटी है, तीन टीम्स यहाँ मौजूद हैं काफ़ी टाइम से जोन की एज पे मौजूद, तीनों ही टीम्स, टीम सोस, ट्रेंटी एंड हमारी टीम ट्रेंटी के पास तो व्हीकल है, वो इस फाइट को स्किप करके निकल चुकी है क्योंकि जोन बनने वाला है हमारा जोन नंबर 3। मोटेंट सोहन को पूरा सपोर्ट कर बैठे हैं, सोस के एग्री, बट यहाँ पे विदाउट व्हीकल है वो, उनके लिए मुश्किल तो होने वाला है। टीम सोस उन्हें जोन में इतनी जल्दी नहीं आने देगी। जी हाँ, जोन बनता हुआ दोनों ही टीम्स आउट ऑफ द जोन है, बट टीम TB अभी आउट ऑफ द जोन तो है, विदाउट व्हीकल है तो थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए जोन में जाना। डिनो पार्क में गिरता हुआ हमारा एयर ड्रॉप नंबर 5 जो कि फ्लेयर ड्रॉप है, ओग देता हुआ ये Level 3 हेलमेट एंड वेस्ट के साथ ओग आती हुई इसमें। टीम ट्रिनिटी जोन की एज पे पहुंच चुकी है। टीम सोस जो कि लगातार फाइट ले रही है, सोस के एग्री मिनी 14 यूज़ करते हुए, सोस के डोरू करते हुए K98 यूज़, मोटन सोहन को स्पोर्ट करके शॉट देने की कोशिश, बट वहाँ पर मोटन सोहन को कोई डैमेज नहीं, टीम TB के प्लेयर को कोई डैमेज नहीं पड़ा इसका। अपूर्व शाह, मोटन सोहन एंड करतस तो फ्लैंक कर चुके हैं, एक अच्छी सोच करतस की, उनके प्लेयर्स को भी उनके साथ फ्लैंक कर लेना चाहिए जोन की ओर, क्योंकि उनकी टीम सोस के पास व्हीकल है, उनके पास एडवांटेज है, पास व्हीकल नहीं है तो वो उनको रोटेशन ही मानना होगा थोड़ी दूर से। 7 टीम्स 25 प्लेयर्स को निकलता है हमारे फर्स्ट टॉप 5 देखने को मिलेंगे हमें जल्दी अपने फर्स्ट मैच की वीकेंडिंग मैप के, और हमें चिकन डिनर देखते हैं कौन सी टीम निकालती है फर्स्ट मैच हमारे टूर्नामेंट का। सोस के चारों प्लेयर्स कंपाउंड के रिज कंपाउंड के होल्ड से खेलते हुए ब्रोकन बॉल का कवर लिए वे खेल रहे हैं। टीम सोस के चारों प्लेयर G36 चला रहे हैं। सोस के पार्थ अजीत बैरल विथ 4x चला रहे हैं। टीम टीबी के प्लेयर धीरे धीरे करके जोन कवर कर रहे हैं। सोल कार्थस जो भी जोन के एज पे पहुंच चुके हैं, टीम मोटन सोहन के प्लेयर भी उनके एज पे पहुंच चुके हैं एंड अपूर्व साहा भी जोन के एज पे, तीनों प्लेयर अभी सर्वाइव करते हुए जो उनकी एज पे पहुंचते हुए, एक अच्छी सोच उनकी। टीम सोस भी वहाँ से निकल चुकी है जो उनकी एज के लिए हैं, ठीक गया कि वो फॉल बैक कर गए उनके प्लेयर्स जो फाइट से। इससे क्या टीम सोस यहाँ पुश ऑफ करेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी टीम सोस को भी इधर फाइट लेने की या पुश ऑफ करने की। जी हाँ, वो फाइट स्किप कर चुकी है। टीम टीबी अभी और सर्वाइवल के लिए देखेगी हमें फ़ाइट के बिना। टीम ट्रिनिटी होगी अब टीम सोस के सामने, ट्रिनिटी जो एक कंपाउंड छोड़ कर रखी है, टीम सोस वहीं पर आ रही है। सोस के प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, सोस के पर्थ पहुंच चुके हैं बिल्कुल उन्हीं कंपाउंड्स में जहां पे ऑलरेडी मौजूद टीम ट्रेंटी बैठी हुई है। सोस के पर्थ रुकते हुए यहां पे मोली हुई है, टीम सोस के पर्थ जाते हुए पीछे की ओर अपने प्लेयर को ज्वाइन करने के लिए। टीम ट्रेंटी के पास एक अच्छा मौका था इधर एक सोस के पर्थ से फाइट लेने का, और टीम सोस की फाइट स्किप होते हुए टीम वैनम भी उन्हीं के काफ़ी करीब है। टीम वैनम, टीम MR तो एक जोन की एज पे है, मेजर की टीम भी और टीम TW भी जोन की एज पे है। 4 टीम्स हमारी जोन की एज पे खेल, 3 टीम्स जोन की एज पे हैं, बाकी 3 टीम्स एक ही एक दूसरे के करीब, जैसे कि वैनम की टीम और सोस की टीम और ट्रिनिटी की टीम। वैनम के हंटर बहुत टॉप पे बैठे हुए हैं, AKM यूज़ कर रहे हैं वो, वैनम के साथ G36 यूज़ कर रहे हैं, वैनम की सैजी भी G36 यूज़ कर रहे हैं, वैनम सोरा भी G36 यूज़ कर रहे हैं। टीम सोस के प्लेयर क्या यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या यहाँ से निकलेंगे।
क्या उन्हें ये अच्छे स्पॉट नहीं लग रहा है या अपनी व्हीकल सेफ कर रहे हैं वो, या आई थिंक व्हीकल सेफ कर रहे हैं। जोन हमारा जोन नंबर 4 जल्दी देखने को मिलेगा हमें। देखते हैं कौन सी टीम जोन से बाहर जाती है। टीम टी बी तो आई थिंक जोन से आउट ऑफ द जोन गई है। टीम टी बी एंड टीम टी डब्ल्यू दो ही टीम्स थोड़ी थोड़ी दूर हैं जोन से, जल्दी जोन में रोटेशन डाल देंगी क्योंकि अब जोन जल्दी ही आता है, 50 सेकेंड में आता जोन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा वीकेंडी का मैच है, इसमें जोन काफ़ी जल्दी जल्दी बनता है बाद के। सो उसके प्लेयर्स अभी भी कंपाउंड सोल्ड कर रखे हैं। टीम वैनम के पास आता हुआ एक और नॉर्मल ड्रॉप, क्या टीम वैनम के प्लेयर्स इसको पिक ऑफ करेंगे। टीम नॉर्मल ड्रॉप को ओ माई ये, इस ड्रॉप में गिली सूट डार्क ब्राउन आया है, इसमें गिली सूट एंड हेलमेट वेस्ट आई है लेवल 3 की। टीम वैनम के प्लेयर फिलहाल तो अभी भी हिल पे बैठे हुए हैं, दो प्लेयर टीम वैनम के वेट कर रहे हैं किसी प्लेयर का स्पॉट होने का, उन्हों नोक देने का या फाइट लेने का। उधर से टीम TW जोन के लिए निकल चुकी है, टीम 12 टीम TB भी जोन के लिए निकल चुकी है। 7 टीम 25 प्लेयर्स। सोच के प्लेयर ट्रेंटी की ओर स्कोपिंग करते हो क्योंकि सोच के ऊपर उधर स्पॉट लेके आए थे पूरा टीम ट्रेंटी के प्लेयर्स का, और टीम वैनम भी उन्हीं के पास खड़ी है। टीम वैनम जो व्हीकल पिक कर रही है, क्या इधर थोड़ा क्लोज इन करना चाह रही है टीम सोच को या यहाँ से निकलना चाह रही है टीम वैनम। लेट्स सी, देखते हैं क्या करती है टीम वैनम। यहाँ वैनम के प्लेयर्स रुके हैं इधर पीछे आके अपनी व्हीकल को सेफ करते हुए। टीम सोस के प्लेयर भी बैठे हुए हैं, एक कंपाउंड होल्ड करे, सारी टीम्स आराम से होल्ड करे करे बैठी हुई हैं। हमें लास्ट जोन में ही फाइट देखने को मिलेगी, हमें काफ़ी फाइट देखने को मिलेगी लास्ट जोन में। टीम TW के प्लेयर भी 3 मैन स्क्वाड है, टीम मेजर भी 3 मैन स्क्वाड है, टीम TB भी 3 मैन स्क्वाड है, और टीम 24 मैन स्क्वाड। बाकी चारों टीम हमारी 4-4 प्लेयर्स के साथ हैं और बाकी 3 टीम्स हमारी 3-3 प्लेयर्स के साथ हैं। सोल कार्टर्स, मोटन सोहन, अपूप सा, तीनों ही प्लेयर्स जोन की एज पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक सही जोन की एज होल्ड करके खेल रहे हैं वो, एक अच्छी सोच उनकी। अपूप सा, मोटन शोहन एंड कर्तस मेजर की टीम जो उनकी एज पर हुई है। क्या यहाँ पर टीम सोस की फाइट ज़रूर देखने को मिल सकती है क्योंकि उन्हीं की दोनों साइड टीम्स बैठी हुई हैं, टीम वैनम एंड टीम MR आ गई है अब टीम वैनम के करीब। जी हाँ, टीम वैनम एंड टीम सोस MR वैनम की फाइट लाजमी है, उनके भी दोनों साइड टीम्स हैं। टीम ट्रेंटी जो उनकी एज पे है वो चाहे तो फॉल बैक कर सकती है उस फाइट से। जोन बन चुका है हमारा जोन नंबर 5, जो टीम ट्वेंटी आउट ऑफ द जोन हो चुकी है। टीम TB को भी बहुत जोन में रोटेशन डालना है विदाउट व्हीकल, और टीम मेजर को भी, और टीम TW एंड टीम MR को भी। टीम वैनम के ऊपर आया है पूरा पूरा जोन, फ्लेयर मिली है टीम वैनम के प्लेयर को, एयर ड्रॉप नंबर 7, फ्लेयर नंबर 2 छोड़ा है वैनम के प्लेयर से। ओम एंड गिरोजा विद लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट, टीम वैनम को काफ़ी मदद करेगी ये ओम एंड गिरोजा। टीम रेज के पास भी थी वर्बो टीम एमआर ने पिक की है, जोन के एक ओपी कवर में बैठी हुई है, और टीम सोस के पास एक अच्छा मौका जोन की एज पे फाइट लेने का। ट्रेंटी से टीम ट्रेंटी वहाँ पर थोड़ा भी रिस्क नहीं ले रही, रोटेशन डालती हुई डिनो पार्क की ओर से पूरा घूम के रोटेशन डाल रही है जोन के लिए, एक अच्छी सोच ट्रेंटी के लिए। यहाँ टीम MR थोड़ा जोन में क्लोजिंग कर चुकी है, TW भी और मेजर भी कर रही है अब धीरे धीरे जोन में क्लोज इन। टीम वैनम की क्या फाइट यहाँ को अब देखने मिलेगी, हमें वैनम की सैजी गए हैं पिक करने के लिए। ओ माय थिंक, जी हाँ वैनम की सैजी ने पिक कर लिया है। ओम वैनम सौरभ G36 पे ही चला रहे हैं, वैनम के शाद भी G36 चला रहे हैं। टीम सोस के प्लेयर स्पोर्ट करने की कोशिश करते हुए टीम ट्वेंटी उन्हीं के करीब आके जोन में रोटेशन डाल के उन्हीं के करीब वाले कंपाउंड्स में आके रुक गई है। मेजर के आमिर TW के आसिफ को नॉकआउट करता हुआ, मेजर का आमिर, टीम मेजर एक टीम TW को फिनिश ऑफ कर चुकी है। अब 3v3 फाइट, सेकेंड टीम ऑफ TW से, क्या मेजर आमिर यहाँ लो HP बचे हैं। जी हाँ, मेजर आमिर नॉकआउट तो नहीं हुए हैं, लो HP ही बचे हुए हैं। एक नेट करते हुए मेजर के हम्माद, बट ऊपर टीम TW का प्लेयर ऑलरेडी नॉकआउट पड़ा हुआ है। मेजर हम्माद को थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ा है, बट मेजर्स वाले जाते हुए अपने प्लेयर को कवर देते हुए पूरा पूरा। TW के जोकर OP एंड मुस्तफिजुर दो ही प्लेयर्स बचे हुए, खुश हो पाता हुआ मेजर आमिर को नॉकआउट करते हुए फिनिश ऑफ भी कर देंगे शायद। जी नहीं, TW के जोकर OP ने मेजर के प्लेयर को एक को नॉकआउट किया है, मेजर हमाद उनको नॉकआउट करते हुए TW के मुस्तफिजुर बचे हुए हैं वो भी फिनिश ऑफ होते हुए। टीम मेजर के हमाद अकेले बचे हुए हैं, OP क्लच बाय मेजर हमाद। थर्ड पार्टी क्या यहाँ पर टीम करेगी, टीम MR, आमिर एंड सोलह दोनों नॉकआउट पड़े हुए हैं। मेजर हमाद को जल्दी से उन्हें रिवाइव देना होगा और उनको हील अप करनी होगी।
टीम मेजर यहाँ पर ओपी फाइट निकालते हुए टीम टीडब्ल्यू की, दो प्लेयर नॉकआउट किए थे, एक मुस्तफिजो ने, एक एक टीडब्ल्यू के जोकर ओपी ने, बट यहाँ पर दोनों ही टीम टीडब्ल्यू की फिनिश ऑफ कर दी है टीम मेजर ने। 7 किल्स के साथ आगे बढ़ेगी टीम मेजर, एक अच्छे किल्स लिए हैं टीम मेजर ने यहाँ से। टॉप 5 अभी तक नहीं हुआ है, एक टीम अभी भी हमारी जब एक्सिट लेगी उसके बाद टॉप 5 टीम्स दिखाई देंगी हमें। टीम एम आर के प्लेयर पूरा ओम का फटका देखने का वेट कर ही रहे थे और उन्होंने दे दिया है मेजर हम्माद को ओम का फटका। मेजर हम्माद नॉकआउट होता हुआ रिवाइव हो रहा है, टीम एम आर के यहाँ पर स्लैम करेगी टीम मेजर के ऊपर। जी हाँ, टीम में एम आर के प्लेयर निकल चुके हैं, टीम एम आर के प्लेयर मेजर से फाइट लेने के लिए निकल चुके हैं। मेजर के हम्माद रिवाइव हो चुके हैं, हिलअप भी हो रहे हैं। टीम मेजर के ऊपर पुश ऑफ बनता है, इधर बन रहा है उनका टीम नंबर 18 के प्लेयर्स का, बट वहाँ पुश ऑफ रुक चुका है। आउट ऑफ द जोन है दोनों ही टीम्स, तो जोन में जोन यहाँ पहले कवर करें तो बेहतर होगा दोनों ही टीम्स के लिए। जोन हमारा बन चुका है जोन नंबर 6, वेनम के प्लेयर्स पहले जोन कवर करते हुए, टीम टीबी के प्लेयर्स भी जोन कवर कर चुके हैं, टीम ट्रेंटी उन्हीं के बीच में जा रही है, टीम ट्रेंटी की फाइट हो सकती है, टीबी के सोल कार्टर जो अकेले थे वहाँ पे, पर टीम ट्रेंटी वहाँ से निकल चुकी है दूसरी साइड की एज पे एज के लिए। जी हाँ, टीम हमारे यहाँ से फाइट स्किप करती हुई टीम मेजर भी जल्दी जोन के लिए अब जाएगी, जोन स्टार्ट हो जाएगा 20 सेकंड बाद हमारा। ट्रेंटी आउट ऑफ द जोन क्यों चली गई, इतना आउट ऑफ द जोन, जोन का डैमेज ले रही है टीम ट्रेंटी। टीम मेजर उनके सामने होगी, ट्रेंटी के प्लेयर व्हीकल बहुत डैमेज है उनकी जो चला रहे हैं, और ट्रेंटी के रितिस काफ़ी लो एचपी बचे हुए हैं, बहुत ख़राब व्हीकल से सर्वाइव कर रहे हैं वो। इधर टीम मेजर के ऊपर स्प्रे डालते हुए टीम ट्रेंटी, मेजर के प्लेयर मेजर के हम्माद तो बचे हैं, आमिरंट्स वाले भी बच चुके हैं वहाँ से, यहाँ जोन में रोटेशन डाल रहे हैं। टीम सोस से फाइट हो गई है, मेजर हम्माद को पिक करते हुए सोस के डोरू G36 से, सोस के पर्थ भी मेजर आमिर को पिक ऑफ करते हुए, तो मेजर वाले सोलो प्लेयर टीम सोस सामने, कुछ कर पाएगा क्या मेजर वाले, लेट्स सी। मेजर वाले 1v4 कंडीशन, ओपोनेंट में टीम सोस, टीम मेजर यहाँ पे, मेजर वाले टीम मेजर फिनिश ऑफ होते हुए टीम सोस ने अब निकाले 6 किल्स। टॉप 5 हमें मिल चुके हैं टीम सोर्स के, 5 किल्स 6 किल्स होते हुए टीम मेजर एक अच्छे किल्स के साथ एक्सेल लीड 6 पोजीशन पे। 5 टीम्स बची हुई हैं हमारी, एमआर बची है एंड टीबी बची हुई है और ट्रिनिटी बची हुई है एंड वेनम एंड टीम सोर्स, 4 टीम्स बची हैं। मोटन सोन को स्पॉट कर लिया सोर्स के डोरू ने, टीम टीबी के प्लेयर मोटन सोन स्पॉट हो चुके हैं, एक पत्थर के रेस से बचे हुए हैं, पत्थर के कवर पर बैठे हुए हैं। इधर 5 टीम्स लाइव हैं, बहुत मुश्किल होगा अभी एकदम से ओपन में फाइट लेना। सोल गार्डस पूरा ओपन में साफ बने हुए थे जो स्पॉट हो चुके हैं, मिनी 14 का स्प्रे पड़ता हुआ, मिनी 14 का 1 टैप, सोस के एग्री देते हुए फिनिश ऑफ करेंगे सोस के पर्थ। टीम टीबी का एक प्लेयर फिनिश ऑफ होता हुआ, अपूर्व साइन मोटन शॉन बचे हुए हैं, टीम एमआर का प्लेयर सोस के पर्थ को देता हुआ ओम का फटका, एक ओपी ओडब्ल्यूएम यूज़ करता हुआ इधर, लेकिन ट्रेंटी के डाकू नॉकआउट करता हुआ भाभी को टीम एमआर का प्लेयर। इधर ओम तो अच्छी चला रहा था बट टीम ट्रेंटी से प्लेयर्स रेत से नहीं बच पाया, वो नॉकआउट हुआ है, रिवाइव अप हो जाएगा, डाकू ने उन्हें नॉकआउट ज़रूर किया है। टीम एमआर के प्लेयर के ऊपर एक अंधा स्प्रे देने की कोशिश करती हुई टीम ट्रेंटी, लेकिन वहाँ पर कोई नॉकआउट नहीं कर पाएगी। टीम सोस जो कि हमारी खेल रही है एक अच्छी किल, 7 किल्स लेकर, टीम वेनम के पास अभी कोई भी किल नहीं है, प्लेस के लिए खेल रही है टीम वेनम के सहज ही पहला नॉकआउट करते हुए, इधर ट्रिनिटी के रिट्स को नॉकआउट करता हुआ 4v1, टीम वेनम का एक प्लेयर नॉकआउट कर चुका है टीम टीवी के प्लेयर को, वेनम करती हुई क्लोज इन उनके ऊपर। जी हाँ, टीम वेनम के सहज ही जाते हुए मोटन सोहन जो अकेले बचे हुए हैं, पुप्सा को तो फिनिश ऑफ कर देंगे, इधर मोटन सोहन को भी स्पॉट कर लिया गया है वेनम के प्लेयर ने, वैनम की सौरभ उसका किल उठाते हुए। टीम टीवी 5th पोजीशन पे एक्सेट लेती हुई, टीम वैनम 4th, टीम वैनम ने 2 किल्स निकाल ली हैं, टीम वैनम टीम ट्वेंटी 0 किल के साथ है, टीम एम आर है 4 किल के साथ, टीम वैनम 2 किल्स के साथ और टीम सोस 7 किल्स के साथ। जी हाँ, टीम एम आर के फ्रेंकी को पूरा ऑफलाइन आई थिंक फ्रेंकी, 1 टैप 1 टैप स्प्रे देते हुए सोस के एग्री नॉकआउट कर दिया है, फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं इजली। जी हाँ, वैनम के प्लेयर उधर थर्ड पार्टी करते हुए, वैनम के प्लेयर टीम एमआर के ऊपर अकेले बचे हुए हैं, इनके भाभी भाभी टीम वैनम ने एक प्ले, 2 प्लेयर फिनिश ऑफ करें, एक नॉकआउट किया है, एक प्लेयर फिनिश ऑफ किया था उनका सोर्स ने, टीम वैनम का भी 7 नॉकआउट पड़ा हुआ है जो रिवाइव अप हो जाएगा। इन द जोन है वो, उन्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीम एमआर का प्लेयर अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए जा रहा है, क्या इधर टीम वैनम के प्लेयर्स का स्प्रे पड़ेगा उसके ऊपर, 4 टीमें 14 प्लेयर, टीम ट्रिनिटी भी जोन के लिए रोटेशन डाली है, टीम सोस भी रुकी है, ट्रिनिटी ने टीम सोस को स्पॉट कर लिया, सोस के डोर ट्रिनिटी के प्लेयर्स को नॉकआउट करता हुआ, सोस का पर्थ 4v के अमन को फिनिश ऑफ करता हुआ नेट से, टीम सोस यहाँ से एक अच्छे किल्स लेती हुई, एक भाभी भाभी बचा हुआ है टीम एम आर के लिए, और इधर टीम ट्रिनिटी के 3 मैन स्क्वाड बचा हुआ है, ब्लेज नॉकआउट पड़ा हुआ है जो रिवाइव अप हो रहा है,
टीम सोस एक 9 किल्स लेके खेल रही है, एक ओपी किल्स लेके जो उनकी एज पे बैठी हुई है। टीम वैनम उनके सामने है, लेफ्ट में है टीम ट्रेंटी और अकेला बीच में प्लेयर भाभीक, जो क्या करे भाभीक को फिनिश अप करता हुआ ट्रेंटी का रिट्स। यानी टीम ट्रेंटी 3 टीम्स 12 प्लेयर्स 4v4v4। ट्रेंटी का जैक्स उसके डोरू को पिकअप करता हुआ, ट्रेंटी का जैक्स उसके डोरू को M4 से पिकअप करता हुआ हीलअप होता हुआ। टीम ट्रेंटी 1 किल के साथ है, टीम वैनम 3 किल के साथ है और टीम सोस 9 किल के साथ। 3 टीम्स 12 प्लेयर्स 4v4v4। टीम सोस का जो प्लेयर नॉकआउट हुआ है उसका डोरू अभी तक आउट ऑफ द जोन है, वो धीरे धीरे जोन में सर्वाइव कर रहा है। क्या इधर टीम ट्रेंटी के प्लेयर्स उसका किल उठा लेंगे या जोन से मिलेगा। वैनम के सौरभ सोस के अजीत को पिकअप करते हुए, टीम सोस थोड़ा मुश्किल में तो फंसेगी यहाँ पे क्योंकि सोस के प्लेयर दोनों नॉकआउट हो चुके हैं। सोस के ग्रीन ने नॉकआउट कर दिया ट्रेंटी के रेड्स को। सोस के प्लेयर अब मल्टीपल फाइट्स ले रहे हैं वैनम के साथ। ट्रेंटी के जैक को नॉकआउट करता हुआ, क्या ट्रेंटी के डांकू को स्पोर्ट कर पाएंगे। इधर ट्रेंटी के जैक का किल उठाता हुआ सोस का एग्री, डांकू पिकअप करेगा सोस के एग्री को, बिल्कुल स्पोर्ट नहीं कर पाए। सोस के पर अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए आए वैनम के सौरभ, उधर किल उठाते हुए सोस के एग्री को फिनिश ऑफ करता हुआ ट्रेंटी का डांकू। टीम ट्रेंटी 3 मैन स्क्वाड के साथ अलाइव, एक प्लेयर का नॉकआउट पड़ा हुआ है, रेड्स नॉकआउट है या टीम वैनम का स्प्रे पड़ता हुआ। वैनम के सोस के पर्तक के लिए बचे हुए वैनम के चारों प्लेयर से लाइव है 4 किल के साथ। टीम सोस के 10 किल्स सोलो प्लेयर लाइव, टीम ट्वेंटी 3 मैन स्क्वाड के साथ लाइव रहेगी 2 किल 3 किल्स के साथ। स्प्रे पड़ रहा है सोस के मर्द को, टीम ट्वेंटी के प्लेयर्स इजिली फिनिश ऑफ कर सकते हैं, स्पोर्ट तो कर लिया नहीं है। ट्वेंटी के रेटिस उन्हें स्प्रे देते हुए डाकू ये करते हुए मोलिटोल क्या इसका डैमेज पड़ेगा मोलिटोल कर से सोस के पर्थ को। जी नहीं, उनसे थोड़ी दूर आई है मोली, लेकिन सोस के पर्थ को पूरा स्पोर्ट कर लिया है डैमेज देते हुए। सोस के पर्थ चलाते हुए यूजी यहाँ फिनिश ऑफ होते हुए, टीम ट्वेंटी उसे फिनिश ऑफ करते हुए। ट्वेंटी का डाको टीम वैनम से फाइट है, टीम ट्वेंटी की 4 किल्स के साथ थर्ड पोजीशन पर लेती हुई एक्सिन 10 किल्स के साथ। टीम सोस 4 किल्स के साथ, टीम ट्वेंटी 3v4। टीम वैनम वर्सेस ट्वेंटी के डाकू रिट्स एंड ब्लेज, टीम ट्वेंटी आउट ऑफ द जोन है। वैनम को इसका पूरा फायदा मिलेगा ट्वेंटी के प्लेयर्स को इधर फिनिश ऑफ करने का, देखते हैं क्या होता है। वैनम के शार्ज G36 का यूज़ कर रहे हैं, ट्वेंटी के प्लेयर्स धीरे धीरे करके स्मोक्स के साथ आ रहे हैं, स्मोक बॉल बना कर जोन में कर रहे हैं सर्वाइव जोन में आने की कोशिश। वैनम के सैजी ट्वेंटी के डाकू को पिकअप करता हुआ, वैनम का सैजी इधर ट्वेंटी के प्लेयर्स को पिकअप करता हुआ वैनम का साथ, अकेला बचा हुआ रेड्स उसका भी फिनिश अप करा टीम वैनम ने। यहाँ पर टीम वैनम निकाल दी फर्स्ट चिकन डिनर वीकेंडी का हमारा ओपी चिकन डिनर बाय टीम वैनम 7 किल्स के साथ। टीम ट्वेंटी सेकेंड पोजिशन 4 किल्स, टीम सोस 10 किल्स थर्ड पोजीशन, टीम एमआर हमारी 4th पोजीशन 4 किल, टीम बीपी 5th